ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप किसी भी ऐसी समस्या से परेशान हैं जो आपकी ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको एक कंकड़ पे एक मूंग का दाना चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है पूरी बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है वीडियो को लाइक करना है। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं हॉर्न वगैरह की, उसको इग्नोर करिएगा। मैं बाहर हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक मंदिर दिख रहा है, ये है शिव मंदिर। आपको ऐसे ही जाना है, किसी भी शिव मंदिर में आसपास, छोटा बड़ा कोई भी शिव मंदिर हो, आप शिव मंदिर जाइएगा। और शिव मंदिर के आसपास लगभग 100, 200, 500 मीटर के आसपास जो भी बेल का पेड़ हो, यह उपाय आपको वहीं पर करना है। कैसे करना है? जब आप शिव मंदिर जाएं तो आप जैसे अभी तक भोले बाबा की पूजन अर्चना करते चले आए हैं, पूजन करते हैं, वैसे ही पूजन करिएगा शिव मंदिर में जाके भोलेनाथ की, ठीक है। इतना करने के बाद आप फिर वापस आइएगा और 100, 200, 500 मीटर के दायरे में जो भी बेल का पेड़ होगा उस शिव मंदिर के आसपास, वहां पर जाइएगा। और वहाँ पर बेल पेड़ के नीचे आपको कोई सा भी कंकड़ नज़र आ जाए, कोई सा भी, छोटा कंकड़ हो, बड़ा कंकड़ हो, कोई सा भी हो, आप उसी कंकड़ को शिव मानेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, उस बेल पेड़ के नीचे कोई सा भी कंकड़ आपको दिख जाए, उस कंकड़ को आप शिव मानेंगे। और उस शिव माने हुए कंकड़ पर आप कोई सा भी, चाहे तो एक मूंग का दाना या फिर एक चावल का दाना, आप वहां पर अपनी कामना से, अपनी समस्या को कहते हुए वहां पर समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। इतना ही काम सिर्फ आपको करना है। उसके बाद क्या करिएगा, जब आप वहां पर समर्पित कर दें, वहां से वापस आएँ, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे तक आपके मन में, आपके स्मरण में सिर्फ और सिर्फ शिव ही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि वहां पर बैठ कि आप माला जप रहे हो या फिर वहीं आपको बैठना ही है 2-2.5 घंटे, ऐसा नहीं है। आप वहां से चले आए, चलते चलते शिव 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 बोलते रहें। अब मान लीजिए रास्ते में कोई आपको मिल गया तो उनसे आप बातचीत कर लीजिए, हालचाल पूछ लीजिए, चाय पी लीजिए। उसके बाद फिर से जब आप अकेले हो, फिर से शिव 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 करिए। उसी दिन इस उपाय को करिएगा, 2 से 2.5 घंटे आपके मन, आपके तन में सब जगह पर कहाँ होने चाहिए, शिव ही होनी चाहिए। यकीन मानिए आपका वो सारा काम उसी दिन हो जाएगा और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोशिश की है मैंने आपको बताने की, बहुत ही जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपको बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी हॉर्न वगैरह की। ये वीडियो बहुत ही अच्छा था, इसलिए आप लोग के लिए बनाना बहुत ज़रूरी था। कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हैं, TheNaturalPlanet108। वीडियो पसंद आई है, मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ आप लोग को, बहुत आज इस वीडियो में दिक्कत हो रही होगी आवाज़ को लेकर के। कोशिश करूँगा आगे से दिक्कत ना हो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।